हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। और यहां पे मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि ये स्ट्रेटजी आप किस दिन एग्जीक्यूट करेंगे और कौन से सिचुएशन में आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे और कौन से दिन पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को इंट्राडे और पोजिशनल दोनों आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मेरा जो भी पास्ट एक्सपीरियंस लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा पूरा, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा कौन से दिन पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कौन से सिचुएशन में आप लोगों को इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो लॉन्ग स्ट्रेडल पे है। लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कम मार्जिन में काम करते हैं, ज़्यादातर रिटेल पीपल जो हैं। मैं भी गाइस छोटा ही ट्रेडर हूँ, कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी ऑप्शन बाइंग की तरफ ही देखता हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ ही देखते हैं क्योंकि मार्जिन भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो गाइस, इसीलिए मैं लॉन्ग स्ट्रेडल की वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो शॉर्ट स्ट्रेडल के बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ मैं लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल करते ही क्यों हैं ये भी समझना ज़रूरी है। लॉन्ग स्ट्रेडल करने का पर्पज क्या है, इससे हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, इसलिए ये लॉन्ग स्ट्रेडल करते हैं, इसकी वजह का है क्या है। तो गाइस देखिए, सिंपल सा है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। लॉन्ग स्ट्रेडल का मतलब ये है कि आप लोग मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। आप वन साइडेड मूव किसी भी दिशा में एक्सपेक्ट करते हैं तो ही आप लोग लॉन्ग स्ट्रेडल करते हैं, ठीक है। इसका एक बेसिक सा रूल है कि तभी इसमें बेनिफिट भी होगा। अगर मार्केट मान लीजिए साइडवेज हो गया तो इसमें तो नुकसान होना तय है। तो इसीलिए हम लोग जब मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होता है तो हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल ले लेते हैं, इसलिए ये सोच के कि चलिए अगर ऊपर गया तो भी मिलेगा और नीचे गया तो भी मिलेगा। लेकिन हकीकत में क्या मिलता है, मार्केट वन साइडेड भी चलता है तो भी क्या प्रॉफिट मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ कि मार्केट लॉन्ग स्ट्रेडल में वन साइडेड भी जाता है तो भी प्रॉफिट या तो ना के बराबर मिलता है या तो मिलता ही नहीं है। तो उसका वजह क्या है ये भी जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस, सबसे जो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग स्ट्रेडल का, ये वोलेटिलिटी, आप लोगों को ये बात समझना ही पड़ेगा कि वोलेटिलिटी अगर एक्सपेक्टेशन है तो ही हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल करेंगे। अब वोलेटिलिटी कौन से टाइम पे होता है ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए मार्केट साइडवेज है या कहीं पर भी है, मान लीजिए ये टॉप है, मार्केट टॉप पर पहुँचा हुआ है, तो अगर मार्केट ड्रास्टिकली नीचे आएगा तभी वोलेटिलिटी मिलेगा ना हम लोगों को, और वोलेटिलिटी जब बढ़ेगा तो ही हम लोगों का प्रीमियम बढ़ने वाला है, तभी फ़ायदा होने वाला है। मार्केट कभी भी जब अपसाइड चलता है तो वहाँ पर अपसाइड में वोलेटिलिटी घट रही होती है, इसी वजह से कभी कभार देखते हैं कि वन साइडेड मूव होने के बाद में भी अपसाइड में, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ये इंट्राडे में लॉस ही होता है अपसाइड में भी चलने में। उसकी वजह सिंपल ये है कि वोलेटिलिटी घट रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए ये देखिए आज का ये लॉन्ग स्ट्रेडल का ये प्राइस चल रहा है, यानी 6 मई का है, ये 6 मई यानी आने वाले 4 दिनों में एक्सपायर होने वाला है, और इसकी प्राइस देखिए यानी 658 पुट साइड का है और 609 कॉल साइड का है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, 6 × 12 1250 रुपये हम लोगों ने किस में दे दिए, प्रीमियम में। अब मार्केट को हम लोगों को प्रॉफिट देने के लिए यहाँ पे देखिए ये ब्रेक इवन देखिए कितना लंबा है, मार्केट अभी चल रहा है 32,800 नियर अबाउट, और यानी 31,533 से नीचे रहा तो प्रॉफिट मिलेगा, यानी 34,000 के ऊपर रहा तो मिलेगा। अब यार इस बात की क्या गारंटी है कि इसके ऊपर रहेगा, और इसके ऊपर रहा भी तो हम लोगों को क्या 1:1 भी मिल जाएगा या 1:1/2 भी मिल जाएगा। 100% जहाँ तक है, 100% तो कुछ भी नहीं होता है, 90% चांसेस ये इस बात के हैं
कि यहाँ पे अगर हम लोग होल्डिंग बेसिस पे, अगर पोजिशनल बेसिस पे हम लोग इसको लेंगे तो डेफिनेटली ये लॉस ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट कैसे निकालना है, मेन मुद्दा तो ये है ना कि यहाँ पे प्रॉफिट निकालना कैसे है। तो जाहिर सी बात है, देखिए लॉन्ग स्ट्रेटल का मतलब ये नहीं है कि आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर इंट्राडे में, चलिए मैं सीधा आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए 30 मिनट का चार्ट लिया हूँ। अब गाइस अगर इंट्राडे बेसिस पे हम लोग इसमें देखिए, पोजिशनल लॉन्ग स्ट्रेटल के लिए तो मैं कभी भी रिकमेंड मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेटल वो भी पोजिशन में, वो भी ही वीकली, ये समझ लीजिए कि सुसाइड करने के बराबर है, और वो भी दर्दनाक सुसाइड। तो पोजिशनल के लिए मैं तो कम से कम आप लोगों को नहीं बोलूँगा, नेकेड पोजिशन के लिए आप उसमें हेजिंग कर सकते हैं, हेजिंग नहीं एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट या शिफ्टिंग। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, कि अगर इंट्राडे आप लोगों को करना है, इंट्राडे और लॉन्ग स्ट्रेटल लेके अगर आप लोगों को इंट्राडे करना है, तो आप लोग रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढिए कि रेजिस्टेंस कौन सा है अपना, और रेजिस्टेंस के जोन के आसपास अगर आप लोग लॉन्ग स्ट्रेटल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी बहुत ही ज़्यादा होगा, वो भी इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, अगर यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटल लेते, ये देखिए पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस पे, यानी इंट्राडे बेसिस पर देखिए यहाँ से मार्केट 32,600 से यानी 600-500 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो 400-500 पॉइंट मोमेंटम इंट्राडे में अगर हम लोग लेंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट हो ही जाएगा। अब ये सिनारियो देखिए, यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंस पहले नहीं था, ये रेजिस्टेंस आखिर ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस बना और सेकंड टाइम रेजिस्टेंस बना। आप लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेटल में अगर हम लोग बिगिनर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर मार्केट अगर सिर्फ पुट बाय करेंगे तो हो सकता है मार्केट साइडवेज हो या ऊपर की तरफ निकल जाए तो ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग स्ट्रेटल लेके बैठेंगे तो कम नुकसान होगा। अब यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर भी था। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी हो, आप लोगों को डिप्लॉय करने से पहले बैक टेस्ट करना ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं तो कोई भी स्ट्रेटजी आप मुझे दे दो तो मैं उसको हैंडल कर लूँगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हैंडल आप लोगों को करना है, तो आप लोगों को अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। अब दूसरी बात, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट यहाँ पर आया, अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया। अब मान लीजिए अगर आप यहीं पे डायरेक्ट बगैर कुछ सोचे समझे भी अगर आप यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेटल ले लेते तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता। अब दूसरी बात, लॉन्ग स्ट्रेटल की जो सबसे ख़राब बात है, यहाँ पर देखिए आप बैक टेस्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस पॉइंट पर लॉन्ग स्ट्रेटल लेने पर कितनी अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इसका निगेटिव पॉइंट ये है कि लॉन्ग स्ट्रेटल इंट्राडे में कौन से दिन पे करना चाहिए, दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ के रखिए कि इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग में दिन का जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि देखिए वीकली, ये मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को कभी भी अगर लॉन्ग स्ट्रेटल कीजिए तो कोशिश आप लोगों का यही रहना चाहिए कि वो दिन ज़्यादातर फ्राइडे हो, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ये वो दिन अगर फ्राइडे होगा तो आप लोगों को एक तो अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया तो आप लोगों के जेब से मुश्किल से 20 या 30 पॉइंट चला जाएगा या 40 पॉइंट चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा अगर साइडवेज हो भी गया तो। यानी लॉन्ग स्ट्रेटल मैं पर्सनली लॉन्ग स्ट्रेटल करता हूँ फ्राइडे के दिन, ठीक है, और फ्राइडे के दिन अगर आप आउट ऑफ द मनी अगर बाय कर लेंगे, आउट ऑफ द मनी, तो उसमें भी आपको लॉस ना के बराबर होगा, चाहे वो पुट साइड का हो चाहे वो कॉल साइड का हो, ठीक है, चाहे वो आप अगर आउट ऑफ द मनी ले लेंगे, चाहे डीप आउट ऑफ द मनी में भी अगर आप काम करते हैं, अगर डीप आउट ऑफ द मनी, तो आप कोशिश करिए कि वो दिन फ्राइडे का हो। अब ये चीज़ आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी आप लोग एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले दो दिन पहले लॉन्ग स्ट्रेटल मत कीजिए, कितना भी अच्छा आप लोगों के सामने सिचुएशन हो वहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेटल बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही
आप लोग अगर बैक टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही ड्रास्टिकली वो प्रीमियम गिर रहा होता है, भले ही मार्केट आपके फेवर में जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पे कभी भी एक्सपायरी से एक दिन या दो दिन पहले नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग स्ट्रेडल आप लोग करते हैं और तो उसमें कोशिश यही रखिए कि वो दिन फ्राइडे का हो, या मैक्स टू मैक्स मंडे का दिन भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन मंडे को भी डी का थीटा डी के होता है, कंपेरेटिवली कम होता है लेकिन होता है, और फ्राइडे के दिन ना के बराबर रहता है, बहुत कम होता है। तो गाइस आप लोग, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, आप लोगों को आई होप कि लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में समझ में आया होगा। आप लोग अगर लाइक लॉन्ग स्ट्रेडल अगर फ्राइडे के दिन करेंगे तो देखिए, फ्राइडे के दिन करेंगे अगर मार्केट ऊपर की साइड भी गया, जनरली लॉन्ग स्ट्रेडल में अपसाइड में प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन अगर आप फ्राइडे के दिन करेंगे तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी गया तो भी वहाँ पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को साइकोलॉजी और बैक टेस्ट दोनों करना बहुत ज़रूरी है। अगला वीडियो में आप लोगों को बैक टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ कि फ्री में आप लोग ऑप्शन बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।